स्टैंडर्ड 9, सब्जेक्ट ड्राइंग, चैप्टर नंबर 5, टॉपिक लेटर राइटिंग, जड़ एज जीवन। उसके पहले अभी यहाँ पे हमने ड्राइंग बुक के अंदर लाइनिंग की है। ये जो लाइनिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे 6 लाइनिंग करनी है आपको। इस तरह से 6 लाइनिंग आपको ड्रॉ करनी है ड्राइंग बुक में, सेंटर में नहीं, थोड़ा ऊपर से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। यानी कि हाफ सेंटीमीटर की एक बॉक्स हो गया। अभी उस हिसाब से यहाँ पे आपको ऊपर की पहली लाइन और नीचे की लाइन में आपको हाफ हाफ सेंटीमीटर का पॉइंट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम चेक्स बनाने वाले हैं। इस तरह से सभी जगह पे आमने सामने जो आपने पॉइंट किए हैं वहाँ से आपको लाइनिंग करनी है। और ये जो चेक्स है बाद में रिमूव करने हैं, सो लाइटली आपको बनाने हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख सके उसके लिए मैंने थोड़े डार्क बनाए हैं, बट आपको एकदम लाइटली चेक्स बनानी है पूरी जगह पे। इस तरह से अभी हमारा जो सेंटेंस है वो है जड़ एज जीवन। तो यहाँ पे सभी सेंटेंस आ जाए उस हिसाब से, थोड़ा सेंटर में राइटिंग लिखा जाए उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके ड्रॉ करना है। अभी हम बनाने जा रहे हैं, तो पहले आपको एकदम लाइटली ड्रॉ करना है, परफेक्ट हो जाने के बाद आप डार्क बना सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखे उसके लिए मैंने डायरेक्ट डार्क पेंसिल यूज़ की है, पर आपको पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करना है, जिसके लिए आप HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, और पॉसिबल हो तो यहाँ पे आप लीड पेंसिल का यूज़ कीजिए। या तो जो HB पेंसिल आप यूज़ करते हो उसको शार्पन रख के आप ड्रॉ कीजिए, और एकदम लाइटली ड्रॉ करना है, क्योंकि बाद में आप इरेज करने जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा और पिक्चर बिगड़ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस हिसाब से एकदम आराम से आप बना सकते हो। ये आप फ्री हैंड भी बना सकते हो, और यहाँ पे इस तरह से चेक से भी बना सकते हो। चेक से थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, बट इसमें परफेक्शन ज़्यादा आएगी और इसमें देर भी थोड़ी लगेगी। जो हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी ऑर्डर बना रहे हैं। 2 सेंटेंस जो होते हैं, 2 वर्ड जो होते हैं, उसके बीच में एक बॉक्स का हमें गैप रखना है। यहाँ पे भी हमने गुजराती में अड़ जो बनाया है तो उसमें भी आप देख सकते हो, एक बॉक्स का हमने डिस्टेंस रखा है। ये अड़ हमारा कंप्लीट हो गया। अभी 2 बॉक्स का हमें गैप रखना है, एक सेंटेंस जड़ हो गया, फिर दूसरा जो ए आता है वो वर्ड अलग हो जाता है, तो उसके लिए हमें
दो बॉक्स का गैप रखेंगे। ए बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ इस हिसाब से बना रहे हैं। यहाँ पे आप स्केल का यूज भी कर सकते हो, स्केल से आप बना सकते हो। सबसे पहले आपको लाइटली पहले ड्रॉ करके बाद में आप स्केल से भी प्रॉपर बना सकते हो। ये हमारा अ बन गया। अभी उसके ऊपर जो आगे जो पूरा सेंटेंस लिखा है वो बाद में हम रब कर देंगे। अभी दो बॉक्स का हम डिस्टेंस रखेंगे। पहले जिस तरह से हमने ज बनाया है उस हिसाब से ही फिर से हमको बनाना है। एकदम आराम से बनाना है। यहाँ पे हमारा दूसरा जो ज है वो रेडी हो गया है। अभी यहाँ पे हम वाटर ड्रॉप बनाएंगे। अभी लास्ट सेंटेंस जो है जीवन, उसके लिए दो बॉक्स का हम गैप रखेंगे। सेम वैसे ही जो है वो उसको वैसे ही बनाना है। यहाँ पे कितने बॉक्स में पूरा एक वर्ड आया है उसको कैलकुलेट करना है तो परफेक्शन ज्यादा आएगा। यहाँ पे ये लकीर हम खींच लेंगे। अभी देखो कैसे हम जी बनाते हैं। यहाँ से हमको कव लेना है, यानी कि थोड़ा इस तरह से नीचे का जो पोर्शन है उसको मोड़ देना है, यानी कि ये हमारा हो गया जी। अभी हम वो बनाएंगे एक बॉक्स को छोड़ के। कोई भी अगर वर्ड आप बनाते हो तो मेंटली उसका जो है ग्राफ जो है वो आपके दिमाग में पहले बना देना है,
यहाँ पे हमारा वो वर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम बनाएंगे नौ। गुजराती वर्ड जब आप बनाओ तब छह लाइनिंग आपको बनानी है, और जब इंग्लिश वर्ड में आपको कुछ लिखना हो, लेटर राइटिंग करना हो, तो उसमें फाइव आपको लाइनिंग करनी पड़ेगी। ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया जड़ एज जीवन। अभी नीचे की ओर हम थोड़ा क्रिएटिव करेंगे, यानी के वाटर वेव्स, पानी का जो वेव्स है, तरंग है, उसको हम थोड़ा बनाएंगे, तो जो ये ड्राइंग है थोड़ा क्रिएटिव बनेगा। यहाँ पे उसके लिए हमने मेजरमेंट ले लिया है, दो लाइनिंग की है। अभी फ्री हैंड आपको इस तरह से वेव्स बनानी है। ये वेव्स हो गई। अभी उसके ऊपर हम थोड़े तरंगे बनाएंगे, समुद्र की जो लहरें होती है वो थोड़ा दिखाने का प्रयत्न करेंगे, ट्राई करेंगे। पहले आपको लाइटली ही बनाना है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। आप कुछ और तरीके से भी वेव्स बनाना चाहो तो आप अलग से बना सकते हो। हमारा जो वर्ड है वो प्रॉपर होना चाहिए, बाकी आसपास आप कुछ भी जो दूसरा क्रिएटिव आपको अच्छा लगता है तो वो क्रिएटिव आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइटली ही ड्रॉ करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो लाइनिंग वगैरह जो है वो बाद में रिमूव हो जाने वाली है। सो आपका पिक्चर खराब ना हो उसके लिए आपको पहले लाइट ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारी व्यूज रेडी हो गई। अभी नीचे की ओर इस तरह से दूसरी वेव्स हम ड्रॉ करने वाले हैं। ऊपर की वेव्स जो है उसके पैरेलली हमको ड्रॉ करना है। ये जो हम कैलीग्राफी जो करते हैं ना वो यहाँ पे हमको काम आती है। आगे चैप्टर में हमने जो कैलीग्राफी सीखी है तो वो यहाँ पे हमें यूजफुल होगी। ये पूरी हमारी दूसरी जो वेव्स है, सेकंड लाइन है, वो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। थोड़ा सा शेप प्रॉपर आए ऐसी ट्राई करनी है। यहाँ पे नीचे की ओर हम यहाँ पे हाफ वेव्स ड्रॉ करने वाले हैं।
ये हमारा ड्राइंग रेडी हो गया। अभी जो एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है वो सब लाइनिंग को हम रिमूव करेंगे, पेपर को प्रॉपरली उसको हैंडल करके बाद में रिमूव करना है। तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अभी हम कलर फिलअप करेंगे, तो आप पहले वर्ड से भी यूज़ कर सकते हो और लास्ट वर्ड से भी यूज़ कर सकते हो कलर फिलअप करने का, जो आपके हिसाब से है। जो लेफ्टी है तो उसको प्रॉपर जैसे कंफर्टेबल हो उस हिसाब से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर जो लेफ्टी होते हैं वो पीछे से स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड वाले जो होते हैं तो आगे से कलर फिलअप करना स्टार्ट करते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। यहाँ पे मैंने एक कागज़ रखा है अपने हैंड के नीचे, उस हिसाब से आपको भी एक कागज़ या कुछ प्लास्टिक का जो पेपर हो उसको रखना है। यहाँ पे कलर करने के लिए आपको छोटा पोर्शन जो हो वहाँ पे राउंड ब्रश का यूज करना है। मैंने यहाँ पे 4 नंबर का ब्रश यूज किया है, सो जितना बड़ा पोर्शन हो तो वहाँ पे बड़ी आपको ब्रश यूज करना है। सबसे पहले बॉर्डर करना है, बॉर्डर करने के बाद अंदर कलर फिलअप करना है। यहाँ पे हमारा वाटर रिलेटेड हमारा जो वर्ड है सेंटेंस है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ब्लू कलर को सिलेक्ट किया है। जो स्काई ब्लू कलर होता है वो अभी यहाँ पे नीचे की ओर आप देख सकते हैं, तो उसमें वाइट कलर ज़्यादा है, यानी कि एकदम लाइट ब्लू कलर हमने यूज़ किया है। तो इस हिसाब से आपको कलर फिलअप करना है। एकदम आराम से करना है, बॉर्डर के बाहर कलर ना चला जाए उसका खास ध्यान रखना है। और बॉर्डर करते समय ब्रश के अंदर बहुत ही कम कलर होना चाहिए। यहाँ पे छोटी जगह पे कलर करने के लिए हम 0 नंबर का ब्रश होता है उसका यूज कर सकते हैं। नीचे की ओर भी हम इस तरह से ही कलर करेंगे। कलर करते समय बार बार जो आपने जो कलर बनाया है वो कलर को मिक्स करके आपको कलर फिलअप करना है, क्योंकि उसका टोन चेंज नहीं होना चाहिए। और जितने पोर्शन में आपको कलर करना है तो एक बार में ही पूरा आप कलर बना लीजिए, क्योंकि बार बार आप कलर बनाएंगे तो ये सपोज के हमने वाइट कलर मिक्स करके स्काई ब्लू बनाया है, तो अगर आपको ख़त्म हो गया बाद में आप बनाओगे तो टोन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर रेडी हो गया। अभी उसको सूख जाने के बाद यहाँ पे ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे, तो पूरा जो लेटर राइटिंग है उसका गेटअप अच्छा दिखेगा। अपने हैंड जो है वो वाइब्रेट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर और फिनिशिंग से हमको यहाँ पे बॉर्डर बनानी है। यहाँ पे भी आप स्केल का यूज कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्केल का यूज ही करो, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे फिनिशिंग बरकरार रहेगी।
इस तरह से सभी में हम बॉर्डर करेंगे। ये हमारा जड़ एज जीवन लेटरिंग कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।